एक ज़रूरी बात मैं अर्ज़ करूँगा, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा कि कुछ ऐसे अफराद हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन सारा दिन गेमें खेल रहे हैं, ताश की गड्डी लेके बैठे हुए हैं और फिल्में ड्रामे देख रहे हैं। अगर पूछो तो यार ये क्या कर रहे हो, कहता जी मैं रोज़ा निभा रहा हूँ। मैंने कहा तू रोज़ा निभा नहीं रहा, रोज़े का बेड़ा गर्क कर रहा है। यार रोज़ा रखवाने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने मकसद कुरान में बयान किया है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े की फर्जियत की गर्ज़ो गायत क्या बताए, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे दिन में खौफ़े खुदा पैदा हो जाए। और रोज़ा रख के भी अगर खौफ़े खुदा नहीं है, गुनाह कर रहा है, तो ऐसे बंदे की फिर मिसाल हदीस में क्या आई है? फरमाया कि सहरी के वक्त अगर एक गधे का मुंह बांध दिया जाए और अफतारी के वक्त खोल दिया जाए तो गधे को सिवाय फाके के कुछ भी नहीं मिलेगा। फरमाया इसी तरह वो बंदा जो रोज़ा तो रख लेता है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना हराम से बच रहा है, ना बदकारी से बच रहा है, ऐसा बंदा ये समझे कि वो गधे की तरह उसका मुंह बांध दिया है, अफतारी के वक्त खोल दिया है, अब इसको सिवाय फाके के कुछ भी नहीं मिलेगा। रोज़े का मकसद ये है कि हमारा ताल्लुक रब ताला से जुड़ जाए, हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा हो। रोज़ा तो हमारी तरबियत ये करता है कि एक बंदे को प्यास लगी है, हलक में कांटे चुभ रहे हैं, गुसल खाने में जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा, भाई प्यास लगी है पी ले पानी, कहता नहीं मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं कहता हूँ दूर ना जाओ यार, वुजू करने के लिए मुंह में कुल्ली करने के लिए पानी लेके गया है, यहां तक पानी है, थोड़ा सा नीचे कर ले, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन एक कतरा भी नीचे नहीं कर रहा, क्यों? मेरा रब ये इसको भी देख रहा है। नहर में गोता लगाता नीचे चला जाता है, वहां भी जाकर पानी नहीं पीता कि मेरा रब पानी की गहराई में भी मुझे देख रहा है। यार इससे और आगे क्या बतलाऊं कि अफतारी का वक्त है, तरह तरह की नेमतें सामने रखी हैं, हलाल चीजें मौजूद हैं और भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, खा नहीं रहा, भाई क्यों नहीं खाता, ताकत नहीं है हाथ में पकड़ के मुंह में ले, कहता मौजूद है क्यों नहीं खा रहा, हलाल चीजें पड़ी हैं, कहता अभी रब का हुक्म नहीं हुआ। रोजे ने तो हमारी तरबियत यह की है कि हलाल चीज भी उसके हुक्म के बगैर हम नहीं खा रहे, और ये रोज़ा हमें तरबियत दे रहा है, और हम रोज़ा रख के तो गलत काम करें, अपना वक्त ज़ाया करें, तो ये बड़े अफसोस की बात है। हमें रोज़ा रखने के बाद कुरान पाक की तिलावत, दरूद व सलाम पढ़ना, ज़िक्र अज़कार करना, कुरान पाक की तफसीर हो, इस्लामी किताबें हों, अपनी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें अदा करें, नवाफिल पढ़ें, ये है रोज़ा निभाने का तरीका। ये नहीं कि गेमें लेके बैठा हुआ है और सारा दिन ना नमाज की परवाह है और ना कोई और बात की परवाह है, ये रोज़ा निभाना नहीं है, रोज़े का बेड़ा गर्क करना है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकअल्लाह।